दोस्तों HMD नोकिया सुपर अफोर्डेबल स्मार्टफोन नोकिया C01 प्लस इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस पॉइंट रखा गया है अफोर्डेबल, मतलब 6000 के अंदर ये आपको खरीदने को मिल रहा है। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या 2021 में नोकिया C01 प्लस को कंसीडर करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में हर वो डिटेल्स पता करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब मूव करते हैं टॉपिक्स पे। एक स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, मतलब उसको खरीदना चाहिए कि नहीं दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस उस स्मार्टफोन का पहले जान लें। तो अगर बात करें नोकिया C01 प्लस के हार्डवेयर डिटेल्स की, तो यहां दोस्तों आपको 5.45 इंच का एक डिस्प्ले दिया जा रहा है, जो कि कंटेम्पोरेरी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले आपको दिया जाएगा, लेकिन डिस्प्ले टाइप HD होने वाले हैं। प्रोसेसर दोस्तों कुछ खास नहीं है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया गया है, क्लॉक स्पीड है 1.6 GHz, प्रोसेसर नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो फिलहाल 2021 में दोस्तों इस तरह का प्रोसेसर बैकडेटेड है, ये मेरी ओपिनियन है। अगर रैम और इंटरनल स्टोरेज डिटेल्स की बात करें, तो यहाँ आपको 2GB का रैम देखने को मिलेगा, इंटरनल स्टोरेज में आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा। यहाँ आपको एक्सपेंडेबल स्लॉट का सपोर्टेबिलिटी मिल रहा है, जो कि 128GB तक होने वाले हैं। अब अगर बात करें नोकिया C01 प्लस के कैमरा डिटेल्स की, तो यहाँ दोस्तों आपको रेयर और फ्रंट दोनों में ही 5 MP का कैमरा सेंसर दिया गया है, दोनों में ही दोस्तों आपको LED सपोर्टेबिलिटी भी दिया जाएगा। अगर आप फ्रंट शूटिंग करना चाहते हैं, मतलब सेल्फी अगर शूट करना चाहते हैं, तो यहां भी आप फ्लैश को यूज कर पाएंगे, और रियर में भी दोस्तों आपको LED दिया गया है, उसको यूज करके आप नाइट फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। तो बोथ साइड कैमरे में ये LED सपोर्टेबिलिटी शायद आपको इंप्रेस कर सकता है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहां आपको एंड्रॉइड गो एडिशन का सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा, जो कि एंड्रॉइड 11 का होने वाले हैं दोस्तों। टाइम टू टाइम अपडेट, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको 2 साल तक दिया जाएगा, इसी तरह का कंपनी के इंफॉर्मेशन है। अब कुछ कनेक्टिविटी फीचर जो हर स्मार्टफोन में चेक करना चाहिए दोस्तों, तो नोकिया C01 प्लस में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया जाएगा। यहां आपको जो चार्जिंग पोर्ट मिलने वाले हैं, माइक्रो USB टाइप होने वाले हैं। बैटरी में आपको 3000 mAh का बैटरी सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा। यहां आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा दोस्तों। रियर साइड में आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया जाएगा। फिलहाल लुक की अगर बात करें, तो दोस्तों आपको रियर साइड में टेक्सचरिश फिनिश देखने को मिल रहा होगा। लुक और ओवरव्यू दोस्तों प्राइस पॉइंट को देखते हुए ठीक ठाक ही मुझे ये लग रहा है। इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों ये स्मार्टफोन मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि आपको यहां नोकिया का ब्रांडिंग मिल रहा है, सिक्योरिटी पैच जैसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के साथ साथ मिनिमल डिजाइन के साथ आ रहा है। तो अगर आप एक फीचर फोन यूजर हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं एक स्मार्टफोन में, तो नोकिया C01 प्लस आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकता है। आखिर में दोस्तों नोकिया C01 प्लस के प्राइस डिटेल्स के ऊपर मूव करें, तो यहां आपको एग्जैक्ट 509,099 रुपीज में खरीदने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन दोस्तों अगर आप जियो सिम यूज करते हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा, खरीदने से पहले इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। तो ये थे दोस्तों HMD नोकिया C01 प्लस को आपको खरीदना चाहिए 2021 में, उसके ऊपर कुछ मेरी ओपिनियन और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स। होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए बहुत हो गया बकबक, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।